इतने एक्साइटेड है हम कि हम अपने स्कूल आए और कल भी आएंगे हम, अच्छा लग रहा है। पर एक चीज हमें अच्छी नहीं लग रही कि हफ्ते में हमें दो ही बार आना है, ये चीज हमें अच्छी नहीं लग रही, हमें रोज आना है। मैम हमारे सामने होती है तब ज्यादा समझ में आता है, ऐसे ऑनलाइन ज्यादा समझ में नहीं आता हमारे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा हम स्कूल आए हैं अब इस लॉकडाउन के बाद, और हमारी सेफ्टी भी रखी जा रही है। कोरोना के लिए क्या कहना चाहोगे? कोरोना जल्दी से निकलना। अच्छा कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा काम जो तुमने यहाँ पे किया हो बताओ। हाँ बहुत मजे, इंजे ट्यूबलाइट नहीं कुछ नहीं ऐसे नहीं मजे लिए यार अपने, वो स्कूल के लाइफ में बहुत मजे लिए हमने, क्लास में फ्रेंड्स लोगों ने ना जिंदगी को स्कूल में खुल के जिया है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज से दिल्ली में स्कूल ओपन हो चुके हैं, और अगर बात करें टाइम पीरियड की तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना का समय रहा है, लगभग 9 महीने बाद आज स्कूल खुले हैं। ऐसे में बच्चों के बीच में एक्साइटमेंट देखी जा रही है, या फिर अब इतने लंबे गैप के बाद आलस से उभरते हुए बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें जानना हमारे लिए भी ज़रूरी है और साथ में आपके लिए भी। तो चलिए जानते हैं कि आज बच्चों का क्या रुख है स्कूल को लेकर। इतने दिनों बाद स्कूल आए हो तो एक उमंग थी या फिर डर बना हुआ था, ये मजबूरी में आए हो? सच सच बताना। बहुत मस्ती आई है, बहुत खुशी से आए हम लोग। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आज हम स्कूल जाएंगे, कल हमें स्कूल जाना है। 5 बजे से जग के हमने सारी तैयारी करी है और घड़ी की तरफ देख रहे थे कब 7 बजे, कब हम निकले। यही हो रहा था। और पता है सबसे ज्यादा ये था कि सामान पूरा कहाँ से कहाँ तक कुछ पता नहीं था। कल रात 12 बजे तक हम लोगों ने अपना सामान ढूंढा है, मतलब कपड़े प्रेस करना, रिबन ढूंढना, सब चीज। ये रिबन मैं कल रात को खरीद के लेकर आई हूँ, सैनिटाइजर खरीद के लेकर आई, मास्क, हर चीज। क्लास में कितने बच्चे थे वैसे? अच्छा, ऐसे तो फिर मतलब कि जो ये होता है मतलब रोल नंबर वाइज या फ्रेंड होती है, ग्रुप होता है, वो सब टूट चुका है? हाँ, सब मतलब सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रहा होगा। हाँ सब चीज। और हमारे मतलब ग्रुप तो पूरा मतलब गया, कहाँ इतने सारे लोग थे और कहाँ अब हम चार ही। 2021 हमारा बहुत अच्छा है, शुरुआत में भी अच्छा गया है। 2021 में हम अपने स्कूल आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये जो कोरोना है ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वैक्सीन तो आ गई है वैसे, लेकिन मेरी मम्मा हॉस्पिटल में नर्स है, तो मेरी मम्मा बता रही थी कि जो वैक्सीन लगा रहा है ना उसकी डेथ हो जा रही है। जो जो लगा रहा है उसकी डेथ हो जा रही है। अब मेरी मम्मा नर्स है ना। हाँ सीरियसली में सच बात है। मतलब ऑप्शन क्या बता रहे हैं बचाव के लिए, क्या ऑप्शन? वही सैनिटाइजर करो, मास्क पहनो और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग। कितनी बार ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए? अभी नहीं आ रही है ना, क्योंकि अभी सबको टीवी पर आना है, सबसे बड़ी बात। सेफ्टी होती है हमारी, फुल एकदम से फुल सेफ्टी होती है। सैनिटाइजर करा जाता है हमें हर वक्त, हाथों पे दिया जाता है, हर एक पीरियड के बाद सैनिटाइजर करा जाता है हमें, और मास्क बिल्कुल भी नहीं हटाने देते हैं, और जब लाइन से बाहर निकालते हैं तो तब भी हमें 2 कदम की दूरी पे रखते हैं। फिर उसके बाद हमारा यहाँ माथे पे जो मतलब चेक करते हैं वो भी पूरा चेक करते हैं अच्छे से, और ज्योति बंसल मैम है वो हमारा बहुत ख्याल रखती है। कल आज उन्हीं का एग्ज़ाम है, वो देंगे। उन्होंने बोला एग्जाम से पहले अपनी सेफ्टी रखना जरूरी है। अच्छा वैसे बेस्ट ऑप्शन क्या लगता है तुम्हें, ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन ठीक लगता है, अच्छे से हमें सिखाया जाता है, ज्यादा से हम कर पाते हैं स्कूल में आके। अच्छा इस लॉकडाउन के दौरान में तुमने ज्यादातर टीचर्स को मिस किया है या अपनी सखी सहेलियों को? सबको, स्कूल, फ्रेंड्स, टीचर, सबको। अच्छा ये बताओ जैसे तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं है ना, तो बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि बच्चे क्लास म्यूट पे करके कुछ और काम करने लग जाते हैं, ऐसी हरकतें करी है किसी ने? हाँ करी है, करी है, करी है। हाँ लोगों ने भी करी है। हाँ करी है, कभी कभी कर लेते थे हम लोग भी। उसका क्या कारण है वैसे? ये नेक काम किस खुशी में किया है? वो नेक काम नहीं, कभी कभी ये है कि कभी कभी क्लास बोरिंग लगने लगती है तो फिर समझ में नहीं आता है, तो फिर हम लोग हटा के यूट्यूब पे और कुछ गाने आने सुनने लगते हैं या वीडियो देखने लगते हैं। क्या पढ़ाते हैं? टीजीटी सोशल साइंस। सोशल साइंस पढ़ाते हैं आप? हाँ जी। अच्छा ये बताइए मतलब कोरोना के पूरे 9 महीने बाद अब आप बच्चों को पढ़ाने आए हैं, तो आपका ये पहला दिन, पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? अध्यापक वर्ग तो पहले ही आता रहा है स्कूल में, जैसे बच्चों की बीट ऑनलाइन क्लास स्टार्ट थी, और सीबीएसई ने जो है बच्चों का जो समय के हिसाब से
जो सिलेबस है वो 1/3 कर दिया है, बच्चों के अनुरूप जैसे आने वाला जो समय है उसके हिसाब से इसको कन्वर्ट किया है, तो बच्चों को भी इतना बोझ नहीं होगा और अच्छा रहेगा, क्योंकि जो कोविड 19 की जो अनुपालना है उसका पालन करते हुए स्कूलों खोला गया है। जैसे कक्षा में 45-46 बच्चे हैं उनको 12-12 करके 3 वर्गों में स्कूल में बुलाया गया है। इससे जो है बच्चों की जो CBSE परीक्षाएं हैं उसके हिसाब से तैयारी करवाई जाएंगी और बच्चों के जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं, बच्चों के जो कॉपी वगैरह है उनकी जांच की जाएगी। अच्छा सर, एक बात बताइए, मतलब आप भी थोड़ा सच ही बताना, जैसे बच्चों ने बताया, मतलब बच्चों ने कितना कोऑपरेट किया है ऑनलाइन क्लासेस में? बच्चों ने काफ़ी कोऑपरेट किया है, लेकिन कुछ जैसे गरीबी की कुछ समस्याएं, क्योंकि ये सुल्तानपुरी एरिया है, यहाँ पर एक परिवार से जैसे 3 या 4 बच्चे हैं तो उनके घर में मोबाइल एक ही है, इस वजह से थोड़ी बच्चों को समस्याएं आई हैं काम में, जैसे टीचर से कनेक्ट होने में। और लेकिन अध्यापक वर्ग ने घर पे जा जाके बच्चों को स्कूल से जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं उनसे जोड़ा है बच्चों को, तो ये समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ मजदूर वर्ग ज़्यादा है इसलिए घर में जो है 3 या 4 बच्चे हैं तो उनको थोड़ी समस्या आई है को कैसे, जैसे एक बच्चा 10वीं क्लास में है, एक 12वीं क्लास में है, एक 8वीं क्लास में है, तो उनके पास मोबाइल एक है, तो ऑनलाइन जो क्लासें होती हैं हर क्लास इंचार्ज जो है उसको ले रहा है। हाँ जी। अच्छा, वैसे ये मतलब इतने लंबे समय बाद, अब लगभग अगर बात करें तो 1 साल होने ही वाला था, तो ऐसे में बीच में स्कूल को खोलने का जो ये प्रयास है, ये ठीक रहा है या कुछ गलत कदम? ये प्रयास अच्छा है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है इसके लिए वैक्सीन के लिए जो है टीके लगने शुरू हो गए हैं और इसका जो है काफ़ी अनुपालना की जाएगी बच्चों के साथ, जैसे बच्चों को 2 गज की दूरी रखना, दूर दूर बैठाना, मास्क का यूज़ होना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल के नीचे कमेंट करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद, जय दिल्ली।